आज इस ऑनलाइन कक्षा में हम बाबा सूट का थ्योरी और ड्राफ्टिंग लिखना सीख करेंगे। जैसा कि मैंने थ्योरी में लिखा है, परिचय, बच्चों को गर्मियों में पहनाया जाने वाला वस्त्र है, इसे बाबा सूट या पैंटी सूट भी कहते हैं। इसमें बाजू नहीं लगाई जाती, इसके साथ सुंदर सजा हुआ जांघिया अथवा कच्छा बनाते हैं, लैस, फीता, झालर, मोटी कढ़ाई आदि से सजाते हैं। कपड़ा, पॉपलिन, साठन, नेट, चैकदार कपड़ा आदि से बनाया जाता है। दबाव व मोड़, कंधे पर आधा इंच, साइड में एक इंच, बॉटम में 1.5 से 2 इंच, पिछले भाग में पट्टी रखने के लिए 1.5 से 2 इंच तक ओवरलैपिंग रखी जाती है। कपड़े का अनुमान, 35 इंच का कपड़ा 2 लंबाई ब्लाउज प्लस 2 लंबाई जांघिया प्लस तुरपाई के बराबर कपड़ा लगेगा। सावधानियाँ, प्लेकिट बनाते समय गला टेढ़ा ना बने, बॉटम व नेफा बराबर व बराबर मोड़ें, इलास्टिक डालते समय कमर का 3/4 भाग इलास्टिक डालें। नोट, इसे बनाने के लिए 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक कपड़ा लगेगा। तो चलिए अब हम इसकी ड्राफ्टिंग के लिए, नाप लिखा हुआ है हमारे पास में, ये हमने एक अप्रॉक्सीमेटली मार्क्स नाप लिया हुआ है। ब्लाउज नाप के लिए चेस्ट का 12 इंच है, फुल लेंथ 12 इंच, NW8, AB8, कच्छे का नाप है हिप का 18वां भाग, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई हम निकालेंगे। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ये म्यानी भाग है। तो अब हम इसके लिए ब्लाउज के लिए बनाएंगे। ब्लाउज के लिए जैसा कि हमारे पास लेंथ है इसकी 12, तो हम यहाँ पर एक 12 इंच नंबर लाइन खींचेंगे। पहले यहाँ ए बी है हमारा 8, 8 का आधा 4, प्लस जो हमारा ये निकलेगा, जो हम चेस्ट लाइन लगाएंगे, यहाँ हमारा चेस्ट लाइन यहाँ निकलेगा, चेस्ट का 4/1, यानी देखिए यहाँ चेस्ट का 4, चेस्ट है हमारी 18 को 4 से भाग करेंगे, 4.4 × 16, 4×5=20, तो यानी 4.5 आया ये। हाँ, जो हमें चेस्ट लाइन लगानी है वो हम 6.5 लगाएंगे। यहाँ जो हमारा 4 आ रहा है हमने ये ले लिया, अब यहाँ से हम इसको पूरी फुल लेंथ जो है वो हमारी कितनी है यहाँ पर 12, हम ये ऐसे लाइन खींच लेंगे। अब देखिए हमें ना एक इसको ओपन बनाना है, अब इतना ही हमें इतना वापस बाहर लेकर जाना है दोबारा, 4 पॉइंट, ये जितना टोटल था हमारा 5.5, यहाँ से हमें इससे अंदर को हमें 4 इंच इसका तीरा लगाना है और यहाँ हम इसको ऐसे कर, ये देखिए हमने ऐसे लगाया। अब ये हमारा, ये जो है हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में हमें क्या है, कुछ नहीं बनाना, और पीछे बैक पार्ट जो है उसमें हमें ओवरलैपिंग बनानी है फ्रंट पार्ट में। तो पहले हम यहाँ पे 1/2 इंच रखेंगे ऐसे ओवरलैपिंग बनाने के लिए, और 1.5 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे हम ऐसे। ये हमारी ओवरलैपिंग पट्टी है, अब हम इसको यहां से बंद करते हैं। इन दोनों कॉर्नर में हम 1 इंच लेंगे, शेप हम ऐसे गुलाई में दे सकते हैं इसको। ये हमारा यहाँ पे अभी आर्मोल आएगा, आर्मोल के लिए हम यहाँ 1 इंच ऐसे लगाएंगे और इसको ऐसे 1 इंच इधर
अब हमें इनमें गले बनाने हैं। गले बनाने के लिए हमारा ये फोल्ड साइड है, सॉरी ये हमारा बैक पार्ट नहीं फ्रंट पार्ट है, अब ये हमारा बैक पार्ट है। फ्रंट पार्ट में हम यहाँ चेस्ट का बारवां लेंगे तो हमारा आएगा बारवां हिस्सा 1.5, यहाँ पे हम 24वां लेंगे इस तरीके से, ये कंधे से गले से कंधा 1/2 इंच। इसी तरह से हम यहाँ भी लगाएंगे, यहाँ 1.5 इंच, यहाँ भी 1.5 इंच। ये हमारी फुल लेंथ है, अब ये फोल्ड साइड, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम इसके लिए कच्छे का नाप बनाएंगे। जैसा कि हमने सादा कच्छा बनाया था हमें सेम वही नाप लेना है। हिप का तीसरा भाग ये 6 आएगा, 6 में 3 हमने 9 आ जाएगा। और इसकी जो लंबाई लेनी है वो हमें 8 इंच लेनी है। चौड़ाई जो है वो उसकी 8 इंच है, लंबाई इसकी 9 इंच। अब इस बुलाई में हमें यहाँ ऊपर नेफा बनेगा हमारा, ये नेफा भाग है, ये हमारा मोरी भाग है। इस मोरी की तरफ हमें यहाँ पर ये जो 12वां भाग है इसका वो हम लेंगे 1.5 इंच, ऐसे लंबाई चौड़ाई में 1.5 इंच बना के 1/2 इंच बुलाई लेंगे और इस तरीके से 1/2 इंच यहाँ लगाएंगे नेफे की तरफ। इसको हम यहाँ ये हमारा अच्छा है। तो आप इस प्रकार अपनी कॉपी में ड्राफ्टिंग बनाइए और ठीक से मुझे फिर पिक भी सेंड।